हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग किस तरीके से सलवार में जो है वो पॉकेट ऐड कर सकते हैं यानी कि आपके पास कोई भी सलवार हो चाहे पटियाला हो या फिर सादा सलवार हो आप बहुत ही आसानी से जो है उसमें पॉकेट ऐड कर सकते हैं आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर सकते हैं जिससे मेरी जो भी वीडियो हो उससे आप अपडेट रहें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे सलवार की जो है वो कटिंग कर ली है तो यहाँ पे ये यह म्यानी वाली सलवार बना रही हूँ मैं तो यहाँ पे जो है हमारी सलवार की ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है एंड ये है इसकी बेल्ट तो अभी जो है अभी हम इसको साइड रखते हैं एंड हमने जो है यहाँ पे पॉकेट की कटिंग करनी है तो हमने जो है इस तरीके से डबल फोल्ड करके कपड़ा रखा हुआ है इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो है साढ़े चौदह इंच एंड अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये है हमारी साढ़े सात इंच तो हमने जो है इस तरीके से यहाँ पर हमें सबसे पहले जो बेल्ट है हमारी उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है यहाँ पे हमारी बेल्ट रहेगी नौ इंच तो यहाँ पर जो है हम आधा इंच कम करके साढ़े आठ इंच पे निशान लगा लेंगे एंड इस शान को इस तरीके से हम पीछे कर लेंगे जिससे कि कपड़ा वेस्ट ना हो अब इस तरीके से जो है हम इसको कपड़े को कट कर लेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे वाला फोल्ड हो जाएगा एंड ऊपर जो है हमारी इस तरीके से बेल्ट आ जाएगी तो यहाँ पर ये टोटल जो है ये साढ़े चौदह इंच है तो अब जो है हम बेल्ट को तैयार कर लेते हैं तो हमारी जो बेल्ट तैयार है वो है अट्ठाईस इंच तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये कपड़ा लिया है जो कि साढ़े इक्कीस इंच है अब जो भी यहाँ पे कम पड़ेगा वहाँ पर मैं एक और इस तरीके से कपड़ा लेके इसको यहाँ पर जो है हम जॉइन कर लेंगे तो हम जो ये कपड़ा ज्वाइन करेंगे इसके ऊपर हम इस तरीके से आधा इंच चढ़ा के रखेंगे जो कि हमारा सिलाई में चला जाएगा तो अब जो है बेल्ट हमारी तैयार है अट्ठाईस इंच पे इसके बाद जो है एक इंच हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो हम सामने की साइड नेफा फोल्ड करते हैं तो वहाँ पर हमारा फोल्डिंग के लिए जाता है एंड इसके बाद तो तो जो है आप एक से सवा इंच जो है यहाँ पर जब हम पॉकेट ऐड करते हैं वहाँ पर उस साइड के लिए फोल्ड करने को हम ले सकते हैं ठीक है आप चाहे आधा इंच भी ले सकते हैं चाहे सवा इंच भी ले सकते हैं बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे एंड इसी तरीके से इस वाली साइड से भी हम इसको कट कर लेंगे तो अब जो है हमें यहाँ पे ज्वाइंट्स जो हैं इनको ज्वाइन कर लेंगे एंड साथ ही साथ सामने वाली साइड के जो यहाँ पे हमें फोल्ड करना था वो भी हमने जॉइन कर लेना है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है अब जो है हमें यहाँ पर जहाँ पे पॉकेट ऐड करनी है उस साइड को हमें कट लगाना है तो उसके लिए हमें इनको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पर ये बीच वाला जो फोल्डिंग वाला साइड था ये हमें इस तरीके से बीच में लेना है बिल्कुल आप चाहें तो इसे फोर फोल्ड करके भी बीच में कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या करना है आपको एक साइड जो लेना है वो लेना है चौदह इंच और एक साइड जो हमने चौदह इंच से जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है अगर आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है तो वो रहेगा अगर आपने सवा इंच एक्स्ट्रा लिया है तो वो रहेगा ठीक है तो ये जो हमें यहाँ पर कट लगा लेना है जहां पर हमें पॉकेट ऐड करनी है ये उसी साइड कट लगेगा तो इस तरीके से जो है ये कट लग जाएगा एंड इसके बाद हमें क्या करना है इस कट को जो है इस तरीके से हम आधा इंच या सवा इंच जो भी आपने मार्जिन लिया है वो आप मार्जिन लगा के यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से मैंने सवा इंच मार्जिन लिया था तो मैं इस तरीके से निशान लगा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी सिलाई जो लगा ली है आपको ध्यान रखना है ये जो हम जॉइंट लगा रहे हैं यहाँ पे फोल्ड करके ये हमें उसी साइड लगाना है जिस साइड हम पॉकेट ऐड कर रहे हैं मैं सीधी साइड मतलब तो जो पॉकेट है उसको ऐड करूँगी तो मैंने ये जॉइंट जो है वो सीधी साइड लगाया है ठीक है तो अब जो है हम इसको इस तरीके से दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड कर देंगे एंड सिलाई लगा देंगे किनारे की साइड ठीक है ये सिलाई आपको बिल्कुल वैसे ही लगानी होती है जब हम सलवार को इस तरीके से बीच से फोल्ड करते हैं नेफे वाली साइड से बिल्कुल सेम आपको उस साइड भी यहाँ पर सिलाई लगानी है ठीक है तो आप देख सकते हैं इस साइड भी मैंने इसको सिलाई लगा दी है बस इसमें क्या होता है हम ऊपर की साइड कोई भी कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा नहीं छोड़ते हैं पूरे में ही इसको सिलाई से कवर कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जो है हमारी सीधी साइड है एंड ये जो है उल्टी साइड है तो हमने जो पॉकेट ऐड करनी है वो सीधी साइड ऐड करनी है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर सो फोर फोल्ड करके आप यहाँ पे कट के निशान लगा सकते हैं तो इस तरीके से जो है मैं कट के निशान लगा दूँगी एंड ये वाला जो कट है वो बैक साइड आ जाएगा और ये फ्रंट में रहेगा ठीक है और बाकी हमारे साइड के कट हो जाएंगे तो ये टोटल जो लेंथ है इसकी मतलब चौड़ाई है वो अट्ठाईस इंच आ रही है तो फाइनली हमारी बेल्ट जो है वो तैयार हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे पहले से ही जो सलवार थी उसको कंप्लीट कर लिया था मतलब प्लेटें डाल के तो इसलिए मैंने दूसरे कपड़े पे जो है आपको इसकी बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग समझा दी थी तो यहाँ पर जब देख सकते हैं मैंने इसकी प्लेटें जो है वो डाल रही हैं और यहाँ पे कपड़ा काफ़ी कम था इस वजह से जो है प्लेटें मैंने बीच में डाली हैं एंड साइड से जो है आपको ये प्लेन दिख रहा होगा तो आपका भी कपड़ा अगर कम है उसमें ज़्यादा प्लेटें नहीं पड़ पा रही हैं तो आप इस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीटी वाली साइड जो हमने इस तरीके से ज्वाइंट लगाया था उस ज्वाइंट को हमें इस तरीके से लेना है एंड जो हमने पॉकेट कट की थी उस पॉकेट को जो है हमें इस तरीके से बीच में कट लगा लेना है एंड इस कट को जो है इस तरीके से हम अपने ज्वाइंट से इस तरीके से मिला के यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आधा इंच जो है कपड़ा यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरीके से इसके बाद से जो, जो है हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे एंड इसी तरीके से जो, जो है हम लास्ट में भी आधा इंच कपड़ा जो है यहां पर हम छोड़ के इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर जो है सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है एंड उसके बाद आपको क्या करना है तो हमें इस वाली साइड से जो हमने पहले बेल्ट के लिए कपड़ा यहाँ पर जो हमने नापा था उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे निशान लगाना है तो हमारी जो तैयार बेल्ट की कटिंग थी तो वो थी नौ इंच तो हमें आधा इंच कम करके मैंने पहले निशान लगाया था ठीक है तो यहाँ पर जो है मैंने साढ़े आठ पे लगा दिया है निशान तो यहाँ पर हमें इस तरीके से लेके आना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे साइड से सिलाई लगानी है जो कि हम अंदर से लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे उल्टा करके रख लेंगे आपको ध्यान रखना है जो हमारा बेल्ट का कपड़ा है उसको निकाल कर ही आपको यहाँ पे फोल्ड करके रखना है अब जो है इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमने आधा इंच का जो मार्जिन लेना है तो जो हमने इसको जॉइंट किया था उस साइड भी हमने आधा इंच को जो है साइड से छोड़ दिया था तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे आधा इंच के मार्जिन लेते हुए देख सकते हैं आप एक साइड जो है सिलाई हमारी लग चुकी है और इसी तरीके से हम दूसरी साइड जो है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे तो यहां पर जो है हमारी दोनों साइड सिलाई लग चुकी है अब हमें क्या करना है इस कपड़े को हम अब सीधा साइड फोल्ड कर लेंगे तो आप देख सकते हैं पॉकेट जो है मैंने सीधे साइड के लिए फोल्ड कर लिया है तो ये इस तरीके से आ जाएगी नीचे की तरफ के लिए अब जो हमने ऊपर के लिए जो बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ा था उसको हमें इस तरीके से बेल्ट में ही ज्वाइंट करना है ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है इस तरीके से आप इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर जो है आप कट का निशान लगा दीजिए एंड इस कट का जो निशान है ये इस कट के निशान को हमें बेल्ट वाला जो निशान है उससे हमें ज्वाइन करते हुए इस तरीके से साइड से हमें सिलाई लगानी है आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मतलब आधा आधा इंच जो है हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे आपको ध्यान रखना है जो हमने कट लगाया था वो हमारा जो हमने अंदर की साइड कपड़ा जो हमारा फोल्ड था बेल्ट में उससे हमारा मिक मतलब मिलना चाहिए कपड़ा इस तरीके से एंड इस तरीके से जो है हम दोनों साइड ही इसको कंप्लीट करते हैं आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा तो आपको जो सिलाई लगानी नहीं है वो आपको केवल बेल्ट तक ही लगानी है उससे नीचे आपको सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है नीचे की जो साइड बेल्ट रहे मतलब रहे वो रहेगा मतलब पॉकेट रहेगी वो ओपन रहेगी इस तरीके से तो आप देख सकते हैं ये पूरी पॉकेट जो है इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगी बस यहीं तक जो है आपको सिलाई लगानी है ये बेल्ट वाले निशान तक ठीक है तो अब ऊपर की साइड जो हमारा नेफा फोल्ड होता है इस तरीके से हम उसको फोल्ड कर देंगे जो भी आपकी बेल्ट की लेंथ हो यहाँ पर मेरी साढ़े छः इंच है तो इस तरीके से जो है मैं साढ़े छः इंच का वो लेके इस तरीके से निशान लगा के आप जैसे भी हो आप बस इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैंने यहाँ पे बेल्ट जो है इसको ऊपर की साइड से फोल्ड कर लिया है तो यहाँ पर ये बाहर की साइड से कुछ इस तरीके से नज़र आएगी तो अब हमें करना क्या है इस तरीके से जो है ये बाहर की साइड से हमें सिलाई को ओपन करना है जिससे हमारी जो पॉकेट होगी वो बाहर की साइड से ओपन हो जाएगी तो बस इस तरीके से जो है आप कोई भी सुइज ले सकते हैं यहाँ पर मैंने पिन से जो है इसको इस तरीके से ओपन कर लेना है बहुत इजीली ओपन हो जाएगी तो इसी तरीके से जो है हम पूरी यहाँ पे यहाँ तक जो है इसको ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ओपन कर लिया है इसको एंड इस तरीके से हमारी पॉकेट जो है वो बाहर की साइड से खुल जाएगी तभी तो आप देख सकते हैं ये रहा इसका बाहर का लुक इस तरीके से आपको नज़र आएगी तो बहुत ही इजीली है गए इस पॉकेट को ऐड करना आप इस तरीके से चाहे आपकी सलवार कैसे भी हो चाहे घेर वाली हो या फिर सादा हो जिस तरीके से मेरे इसमें ज़्यादा घेर नहीं था तो इस तरीके से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं ठीक है तो ये देखिए आप अंदर से ये है इस तरीके से नजर आएगी आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए